10 दिसंबर की रात्रि बिलासपुर के जुखाला क्षेत्र के युवक वरुण ठाकुर की मृत्यु पर उसके चचेरे भाई मुनीश ने डॉक्टरों की लापरवाही करार दिया है। मुनीश ठाकुर ने मेडिकल काउंसिल से मिली भगत से लापरवाह डॉक्टर को बचाने के लिए मृतक वरुण ठाकुर की किडनियां फेल होने का बहाना लगाने के आरोप भी लगाए हैं। मृतक वरुण ठाकुर के परिजनों ने बिलासपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आईजीएमसी शिमला में दर्द से कहरा रहे वरुण ठाकुर का 15 घंटे तक कोई भी उपचार नहीं हुआ, जो कि बड़े दुख का विषय है। जूनियर डॉक्टर ने वरुण ठाकुर की बिगड़ती हालत को देखते हुए इसकी हालत नाजुक बताया और अपने सीनियर डॉक्टर से शीघ्र संपर्क भी किया, मगर सीनियर डॉक्टर से आग्रह करने के बावजूद भी वरुण ठाकुर को देखने कोई नहीं आया। मगर जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके उपरांत डॉक्टरों का हजूम मामले को दबाने के लिए अवश्य उमड़ पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर समय रहते वरुण ठाकुर का उपचार किया जाता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। बिलासपुर जिला मुख्यालय पर भारी संख्या में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने बिलासपुर जिलाधीश को इस बारे में ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की, ताकि भविष्य में लापरवाही की घटना पुनर्वृत्त न हो। 40 तक हम नॉर्मल गिनते हैं, जो हम 45 तक नॉर्मल गिनते हैं, 50 थोड़ा जो सारे टेस्ट आगे रिपोर्टें आगे थी उसका पूरे टेस्ट किए, होमोग्लोबिन उसका ओके है, उसका इसमें जो ये दो केस है ये सेम लाइक दो किडनियां फेल हो गई। बोलने का मतलब है कि वजह से उसको एक हार्ट अटैक आया, ठीक है, किडनियां फेल हुई तब एक हार्ट अटैक आया, लेकिन द टाइम ही वॉज टेकन टू दैट इमरजेंसी जूनियर डॉक्टर ने जाके दिया कि इज अ क्रिटिकल, इज नॉट अ सिंपल केस। जूनियर डॉक्टर ऐसा बोल सकता है कि ये क्रिटिकल केस है और इसको पाइप लगनी है, तो क्यों सीनियर डॉक्टर ने नेग्लिजेंसी करी?